बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी उस दरख्वास्त पे गौर हुआ जिसमें हमने ये मुतालबा किया था कि जो स्क्रूटनी कमेटी का फैसला है कि वो तमाम दस्तावेजात बशमूल 23 बैंक अकाउंट्स के जो कि स्टेट बैंक के जरिए हासिल किए गए उनको खुफिया रखा जाए, तो हमने उसके खिलाफ अपील की थी। आज प्रिलिमिनरी हेयरिंग के बाद नोटिस सर्व हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो स्क्रूटनी कमेटी है कि वो आज अपने दलाइल दें अपने दिफा में कि ये फैसला क्यों ऐसा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उनके जो वकील थे उन्होंने ये दावा किया कि उनको नोटिस आज ही मिला है और वो इस सिलसिले में मजीद टाइम चाहते हैं कि वो अपनी दलाइल दे सके। स्क्रूटनी कमेटी के जो चेयरमैन हैं डायरेक्टर जनरल लॉ वो साहब हाजिर थे, तो आज उनकी मौजूदगी में स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है उस हवाले से मुख्तसर बहस हुई। हमने ये पेशकश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दिए जाएं और इंशाल्लाह हम चंद दिनों में उसकी तफसीली फॉरेंसिक एक्सरसाइज करके अपनी रिपोर्ट कमेटी को दे दें और वो फिर इसको जैसा मुनासिब समझे उस पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन को ये दे दें। आज ये बड़ी दिलचस्प बात हुई कि स्क्रूटनी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि जिस तरह ये मामला चल रहा है ये शायद कभी भी मुकम्मल ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन के सामने कहा। इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात किए कमेटी से उसमें अहम तरीन सवाल ये था कि 2 जून को 2020 को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया था कि आप अपना फैसला सुनाएं कमेटी को 17 अगस्त 2020 तक। उन्होंने वो रिपोर्ट जमा कराई जो हमसे नहीं शेयर की गई। उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 अगस्त 2020 को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आपने तहकीकात की नहीं है, आपने सबूत को वैलिडेट नहीं किया, आपसे जो हमने कहा था आपने हमें मायूस किया। और उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम दिया गया, तो वो 6 हफ्ते अगस्त 27, 2020 से तो क्या कई महीने गुजर चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है स्क्रूटनी कमेटी से कि आप एक जवाब जमा करें जिसमें आप हमें बताइए कि ये अभी तक इतनी ताखीर क्यों हुई है कि जब हमने आपको 6 हफ्ते दिए थे तो अभी तक ये क्यों इसमें इतनी ताखीर हुई है। दूसरी बात जो हमारे वकील ने बार बार कही और हमने बार बार कही कि देखिए स्क्रूटनी कमेटी 3 साल में ये ऑडिट क्यों नहीं कर सकी, ये बुनियादी सवाल है। और उसकी क्या मजबूरी है कि जब वो लिख के देते हैं कि अपने ऑर्डर शीट में कि हम ये दस्तावेजात इसलिए अकबर एस बाबर के हवाले नहीं कर रहे क्योंकि पीटीआई को एतराज़ है, तो जब जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं उसके एतराजात पे आप कार्रवाई करें या ना करें तो वो कैसे शफाफ हो सकता है वो अमल। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये बात भी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने आज रखी। हमने कहा कि जब स्क्रूटनी कमेटी के पास वो विल ही नहीं है कि वो स्क्रूटनी करे तो स्क्रूटनी कैसे होगी, जब 6 बैन-अल-अक़वामी अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तक एक अकाउंट भी सामने नहीं आए, ना ही कोई कोशिश की गई है, ना ही वजारत खारजा को लिखा है ना ही सफारत खानों को लिखा है कि पीटीआई के ये अकाउंट बरामद किए जाएं, तो कार्रवाई कैसे होगी, कैसे प्रोग्रेस होगी। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद अपने दस्तखतों से ऑर्डर की जिसमें हमारे इल्जाम शामिल हो गए, वो रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा पड़ी है लेकिन ये उसकी तस्दीक नहीं करते जबकि ऑडिटर लाहौर में, तो कैसे प्रोग्रेस होगी। तो हमने ये तमाम बातें इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा रखी और हमने ये कहा कि हम इसको डिले नहीं करना चाहते,
आप हमें रिकॉर्ड दीजिए, हम आपको चंद दिनों में अपनी तफसीली रिपोर्ट बना के कमेटी को दे देंगे और फिर कमेटी इलेक्शन कमीशन को दे दे। दूसरी बात, जैसा कि कमेटी के अपने डीजी लॉ ने कहा कि ये काम शायद कभी भी मुकम्मल ना हो, तो हमने कहा खुदारा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं ये तमाम मामलात अपने हाथ में लेता, वो तमाम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल खुद क्यों नहीं करता जो कि मौजूद हैं, जो कि सामने हैं, और अपना फैसला क्यों नहीं सुनाता, क्योंकि ये तो एक ना खत्म होने वाली दास्तान है। तो इस सिलसिले में अब फैसला ये हुआ कि स्क्रूटनी कमेटी अपना जवाब दाखिल करेगी इलेक्शन कमीशन के सामने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आके अगली पेशी जो कि 30 तारीख को है उसमें अपना मौकफ सामने रखेगी। ये आज की पेशरफ्त है। देखिए, अगर मुझसे ये तवक्को की जाती है कि मैं महदूद सबूत पे फैसला के लिए राजी हो जाऊं तो मैं नहीं होऊंगा। तमाम सबूत जो मौजूद हैं वो सामने आने चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए कि ये इन बैंक अकाउंट्स किसके हैं, इसको इन अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करता था, इसमें कितने पैसे आए। मैं उन अकाउंट्स उन सबूतों को इस कार्रवाई से अलग हरगिज नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह अगर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं तमाम दस्तावेजात तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान की आवाम के सामने रखूंगा, क्योंकि ये उनका हक बनता है कि जो दावा करते हैं कि हम अमीन और सादिक हैं, जो दावा करते हैं कि हमने पैसों के मामले में हम ऑनेस्ट हैं, तो उनके खिलाफ जो क्रिटिकल सबूत है उसको हमसे क्यों छुपाया जा रहा है, यह बुनियादी सवाल है। क्योंकि मेरा मकसद बड़ा है, मेरा मकसद यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने दोबारा मुनज़म करना है। यह तब्दीली की जमात अब नहीं है, यह तबाही की जमात बन चुकी है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह किया गया, उसके बाद पाकिस्तान को, हर रोज हम तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने वो असूल नहीं अपनाए जिस पे ये पार्टी बनाई गई थी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम सब साथी मिलके हम इसको दोबारा रिसरेक्ट करेंगे, हम इसको दोबारा अपने असूलों पे लाएंगे, हम इसको दोबारा तब्दीली की जमात बनाएंगे। और चाहे इमरान खान उसमें रुकावट बनता, मैं इमरान खान को बारहा ये कह चुका हूँ कि मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आपने अपने रास्ते पर चल के साबित कर दिया कि आप नाकाम हो चुके हैं। यू हैव टू गिव वे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। यह पाकिस्तान की बात है, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, यह हमने मिलकर बनाई थी एक बड़े मकसद के लिए, और मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे आप धमकियां देते हैं, दे धमकियां, मुझे ऑफर करते हैं, करें ऑफर, मैं अपने असूल पर खड़ा रहूंगा, क्योंकि यह पाकिस्तान का मामला है, ये मेरी जात का मामला नहीं है, और यही असूल इंशाल्लाह हम अपनाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया।